मैं मिसेस अन्नू रॉय आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के सीजीपीएससी मेंस के प्रोग्राम के लिए तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे अब तक आपके पास बहुत सारे वीडियोस जो है वो पहुँच चुके हैं जो विषय के अनुसार आपको लेखन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए समझाया जा रहा है, मैं आपको वो प्रश्न पत्र हल करना बताऊंगी जो सबसे महत्वपूर्ण और सीजीपीएससी मेंस की लिखित परीक्षा में पहला प्रश्न पत्र होता है, जो है कि भाषा। पहले भाषा आपकी चार हुआ करती थी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, संस्कृत और अंग्रेजी, परंतु संस्कृत के हट जाने से अब हिंदी का जो वेटेज है वो पूरी तरह से 100 नंबर का कर दिया गया है। अर्थात जो आपके 50 नंबर की संस्कृत हुआ करती थी, अब हिंदी के साथ मिलकर अब वो 100 नंबर की हिंदी हो गई है। पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बढ़ा दी गई है। एक तरह से अगर तुलना की जाए तो सीजीपीएससी में जो हिंदी पूछे जाते हैं पूरी तरह से वो एमपीपीएससी के सिलेबस को फॉलो करता है। छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं, इसके दो हिस्से होते हैं क्योंकि हिंदी के दो खंड हो जाते हैं, एक हो जाता है साहित्य खंड और एक हो जाता है व्याकरण खंड। रही बात दूसरी छत्तीसगढ़ी की, छत्तीसगढ़ी पहले की तरह 50 नंबर पर बना हुआ है जिसमें व्याकरण के साथ छत्तीसगढ़ी राजभाषा के मद्देनज़र कुछ चीज़ों को विशेष तौर पर हाईलाइट किया गया है। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा एक सबसे महत्वपूर्ण नंबर देने वाला विषय है। 100 नंबर की इस हिंदी में यदि मैं पाठ्यक्रम को बांटूं तो इसके व्याकरण के हिस्से आपके द्वारा प्री में ही कवर कर लिए जाते हैं, लेकिन सीजीपीएससी ने जब से सी सेट को क्वालिफाई किया है अधिकांश बच्चे जो हैं वह हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा को हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन इसका खामियाजा हमें मेंस में भुगतना पड़ता है क्योंकि मेंस में लिखित तौर पर छत्तीसगढ़ी और हिंदी 150 नंबर का वेटेज जो है 200 में से रखता है। यानी कि अगर भाषा में आपको 200 नंबर पाने हैं तो 150 नंबर की जिम्मेदारी केवल हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा से होती है। यहाँ हमारे द्वारा जो आपको वीडियो बताए जाएंगे, इस वीडियो पर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि टॉपिक वाइज आपको चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की जाएंगी और टॉपिक वाइज चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आप लिखित रूप में दर्शाएंगे। जिस प्रश्न पत्र को लिखित रूप में आप दर्शाएंगे हमारे द्वारा उसकी जाँच की जाएगी, छोटी छोटी खामियाँ जो आपके द्वारा गलती की गई है उसके वीडियोज़ के माध्यम से आपको हम उसका एक सार स्वरूप आपको समझाएंगे। 6 तारीख को दिए गए हिंदी के वीडियो में मैंने आपको 3 टॉपिक दिया था। एक टॉपिक दी थी भाषा, दूसरा था वर्ण विचार और तीसरी थी वर्तनी। इससे प्रश्न कैसे आते हैं? भाषा एक सबसे महत्वपूर्ण शीर्षक है। हम जिसमें से प्रश्न की बात करें तो हमेशा से इसमें से कुछ विशेष प्रश्न पूछे जाते रहे। इनके अंक केवल 2-2 नंबर के होते हैं क्योंकि हिंदी भाषा में 30 से आपके 45 तक के प्रश्न जो होते हैं, 45 नंबर तक के जो प्रश्न होते हैं वो दो तीन नंबर के ही हुआ करते हैं। इससे आने वाले प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। पूछे जाने वाले प्रश्नों की यदि हम बात करें तो वहाँ पर प्रश्न में हमेशा से आपको परिभाषाएं पूछी गई थी। साथ में हम वर्ण विचार की बात करें तो जैसे ही हिंदी को 100 नंबर का कर दिया गया, इस समय यहाँ पर कुल मिलाकर इस वर्णमाला से संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जाने लगे, जैसे कि स्वर और व्यंजन से आप क्या समझते हैं, कुछ वर्णों की पहचान पूछी जाने लगी। और ये जो वर्तनी वाला हिस्सा है ये हमेशा से प्री व्यापम मेंस का महत्वपूर्ण तत्व हुआ करता है, जहाँ से वर्तनी शुद्ध करके लिखने के लिए मेंस में आते हैं और वर्तनी शुद्ध पहचानने के लिए प्री में आता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं 6 मार्च को डिस्कशन कम्युनिटी ने जिस टॉपिक के विषय में आपको प्रश्न पूछा था, जिसमें थी सबसे पहले टॉपिक भाषा, उससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न पूछता है कि भाषा की परिभाषा तथा प्रकार बताइए। परिभाषा क्या होती है? परि का मतलब होता है चारों तरफ और भाषा मतलब अपने अर्थ को प्रस्तुत करने के लिए सर्वगुण संपन्न एक ऐसा शब्द का एक प्रभाव होता है जो उसे भाषित कर देता है, तो उसे हम परिभाषा कहते हैं। यह परिभाषा किसी साहित्यकार के द्वारा दिया गया वक्तव्य भी हो सकता है या हम उस को क्या समझते हैं उसे भी प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु इसके लिए एक विशेष शब्दों का चयन होना ज़रूरी है।
ठीक है। प्रश्न ने पूछा है भाषा की परिभाषा तथा उसके प्रकार लिखिए। भाषा क्या है, अगर हम चर्चा करें कि भाषा क्या है, तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से निर्मित है। संस्कृत के भाष धातु से निर्मित है भाषा, जिसका मतलब होता है बोलना अथवा कहना, ठीक है। और यह भाषा एक माध्यम, एक जरिया होती है और एक स्रोत होता है, जिसके द्वारा दो व्यक्तियों के मध्यस्थ विचारों का आदान प्रदान होता है। अर्थात अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या कहती है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन की भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाता है, ठीक है। दूसरे माध्यम से हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं, विचार अभिव्यक्तिकरण का माध्यम भाषा कहलाती है, या हम कह सकते हैं विचार प्रस्तुतिकरण का माध्यम भाषा कहलाती है। कहीं ना कहीं इससे बहुत स्पेशल तरीके से जब तक आप ना लिखें वहाँ इसके नंबर आपको प्राप्त नहीं होंगे, तो परिभाषा साहित्यिक ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। जिसमें क्या कहा गया है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। अब इसी में दूसरा पक्ष ये रखा है कि भाषा के प्रकार लिखिए, तो भाषा के दो प्रकार होते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं जिसमें सबसे पहली होती है व्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा जिसे हम एक्सप्रेस्ड लैंग्वेज कह सकते हैं, कि ऐसी भाषा या ऐसा प्रकार जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, तो उसे व्यक्त भाषा कही जाती है, जिसके लिए वो दो माध्यम का प्रयोग करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के समक्ष मौजूद है तो मुख ध्वनि के उच्चारण द्वारा बोलकर मौखिक भाषा के प्रभाव से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति उसके समक्ष मौजूद नहीं है, किसी दूरस्थ स्थान पर रहता है, तब वह अपने भाव और विचारों को लिपि के माध्यम से लिखकर प्रस्तुत करता है और यह माध्यम लिखित भाषा कहलाती है, ठीक है। लेकिन इस संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो चाहकर बोल नहीं सकते, माना कि वो लिख तो सकता है पर बोल नहीं सकता, या ऐसे व्यक्ति जो अपने बातों को प्रस्तुत करने के माध्यम का इस्तेमाल करने में थोड़े से अक्षम होते हैं, तो कभी कभी एक ऐसी भाषा होती है जहाँ विस्तार प्रस्तुतिकरण नहीं किया जा सकता, जैसे कि पशु पक्षी। तो ऐसी भाषा जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता अव्यक्त भाषा कहलाती है, अनएक्सप्रेस्ड लैंग्वेज कहलाती है। इसके लिए वह माध्यम इशारों का करता है, इसलिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग अव्यक्त माध्यम माना जाता है। चूंकि ये विशेष तौर पर कुछ ही लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसलिए अगर देखा जाए तो भाषा को मुख्य तौर पर केवल दो रूप माना जाता है, लिखित और मौखिक। लेकिन भाषा के दो प्रभाव हैं, व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा। लिखित और मौखिक व्यक्त भाषा का माध्यम हुआ, और सांकेतिक मतलब रंगों के माध्यम से, कुछ साइन बोर्ड के माध्यम से, इशारों के द्वारा प्रस्तुत करना सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो पहले प्रश्न में हमको क्या लिखना है कि भाषा वह माध्यम है जहाँ व्यक्ति अपने मन की भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाता है। भाषा के दो प्रकार हैं, व्यक्त भाषा जिसमें वह दो माध्यम प्रयोग करता है, लिखित और मौखिक, और दूसरी है अव्यक्त भाषा जहाँ संकेतों के माध्यम से वह अपने विचार को प्रस्तुत कर सकता है। इसी टॉपिक में अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा को समझाइए। समझाइए का मतलब होता है कि वो क्या होते हैं, है ना। तो उसके लिए वह भी दो नंबर का ही प्रश्न है, जिसमें प्रश्न पूछा है राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा को समझाइए। सबसे पहले हम चलते हैं राजभाषा के बारे में, ठीक है ना। एक सामान्य सा शब्द हम कह सकते हैं, वाक्य के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, राजभाषा मतलब राज्य के लिए प्रयोग होने वाली भाषा, ठीक है। परिभाषा क्या है इसकी, व्याकरण सम्मत शुद्ध, शासन द्वारा मान्य,
शासन या सरकार के किसी भी राज्य के द्वारा प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। सरल शब्दों में कहें तो सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि राजभाषा क्या है, कि किसी भी राज्य की सरकार जब किसी बोली का जब एक व्याकरण बन जाता है और जब एक बोली जिसका क्षेत्र सीमित है समाज और परिवार के दायरे में बोली जा रही है तब तक वह क्षेत्रीय प्रांतीय या मातृभाषा कहलाती है। जब वही बोली एक मुख्य बोली के तौर पर प्रयोग होती है जिसके अंतर्गत उप बोलियाँ आती हैं तो मुख्य बोली के अंदर प्रयोग होने वाली बोलियों को उप बोली कहते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ ही मुख्य बोली है, गदबा खड़िया कोरकू हमारे लिए उप बोली है। जब किसी बोली का लिखित रूप मिल जाता है और साहित्य के लिए प्रयोग होने लगती है तब वह बोली उपभाषा या विभाषा बन जाती है। किसी बोली को जब व्याकरण के सांचे में ढालकर शुद्ध रूप धारण कर दिया जाए तो शुद्ध रूप से व्याकरण के सांचे में ढलकर वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। और जब किसी राज्य की सरकार एक परिष्कृत मानक भाषा के प्रयोग से निर्धारित एक ऐसी भाषा जो व्याकरण सम्मत शुद्ध हो जाती है शासन के पैमाने पर आपके शासकीय और प्रशासनिक कार्य हेतु प्रयोग करने लगती है तब उसे राजभाषा कहा जाता है। सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। वह भाषा जो किसी क्षेत्र के राजकीय कार्यों के संपादन के लिए किया जाता है इसे राजाओं और नवाबों के समय में दरबारी भाषा भी कही जाती थी। सरकारी कामकाज को चलाने के लिए इसका एक इस्तेमाल जो उद्देश्यपूर्ण तरीके से प्रभाव में आया, मतलब कि सरकारी कामकाज के संचालन के लिए राजभाषा का जन्म हुआ था। और कह सकते हैं कि यह एक संवैधानिक शब्द है, यह एक संवैधानिक शब्द है जो संविधान के द्वारा लागू किया गया है कि राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा कहलाएगी। दूसरा, राष्ट्रभाषा की बात करें तो आम जन की भाषा को हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, अर्थात आम जन की भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी कि राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयोग होने वाली भाषा, अर्थात समस्त राष्ट्र के जन जन के विचार विनिमय का माध्यम होती है राष्ट्रभाषा। इसकी एक विशेष पहचान के तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि भाषा का वह व्यापक स्वरूप जिसका प्रयोग आम जनता अपने कार्य व्यवहार में संपर्क के साथ प्रयोग करती है तो उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संवाद, राष्ट्रीय संवाद और संपर्क के आवश्यकता की उपज मानी जाती है। जब राष्ट्र की जनता किसी स्थानीय और तात्कालिक हितों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से एक भाषा को सर्वोपरि मान्य मानती है, जिसकी अस्मिता का आवश्यक रूप समझने लगती है तब वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। व्यापक प्रचार प्रसार की दृष्टि से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा मानी जाती है परंतु यह राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि प्रांतीय क्षेत्रों में अभी भी केवल हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहाँ अपने प्रांतीय भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो समझाने की बात क्या हुई, सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है, या हम कह सकते हैं व्याकरण सम्मत शुद्ध शासन द्वारा मान्य किसी भी राज्य की सरकार के द्वारा जब एक भाषा का प्रयोग उसके प्रशासनिक कार्यों के संपादन हेतु किया जाए तो उसे राजभाषा कहते हैं। परंतु संस्कृति सभ्यता की परिचायक होकर अपने स्तर से ऊंचा उठकर जब संपूर्ण राष्ट्र की जनता के द्वारा एक ऐसी भाषा को चयन किया जाए जो अन्य प्रांतों से संपर्क के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाता है तब वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 को संविधान की धारा 343 अनुच्छेद 1 और भाग 17 के अनुसार भारतवर्ष की प्रथम
भाषा के तौर पर चुना गया हिंदी को, जो मौखिक होगी, और लिखित के लिए जिस लिपि को लिया गया वो देवनागरी लिपि को माना जाता है। और यहीं द्वितीय भाषा के तौर पर, चूँकि अंग्रेजी हुकूमत की वजह से हमारी सरकारी कामकाज अंग्रेजी में हुआ करती थी, इसलिए स्वतंत्रता के पश्चात भी अंग्रेजी हमारी द्वितीय भाषा थी, जिसे हम आंग्ल भाषा कहते हैं। और लिखने के लिए जिस लिपि का इस्तेमाल किया गया था वो थी हमारे लिए रोमन लिपि। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानक भाषा तथा लक्ष्य भाषा क्या होते हैं? आदर्श, श्रेष्ठ और परिनिष्ठित। भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोक्ताओं के अलावा अन्य भाषा भाषियों के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वे उस भाषा को सीखते हैं, जिसका भाषा रूप का व्यवहार पत्राचार, शिक्षा, सरकारी कामकाज, सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में समान स्तर पर होता है, वह उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। अर्थात मानक भाषा किसी भी देश और राज्य की प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है, जो किसी देश अथवा राज्य की वहाँ के शिक्षित वर्ग के द्वारा बिना किसी त्रुटि के प्रयोग किया जाता है, जो अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्य में प्रयोग करते हैं। तो मानक भाषा क्या है? शासन द्वारा मान्य, व्याकरण के नियमों से शुद्ध, किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले शिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा बिना किसी त्रुटि से प्रयोग होने वाले साहित्यिक, राजनैतिक, सामाजिक, व्यापारिक, हर क्षेत्र विशेष में मान्य हो, उच्च हो, आदर्श हो, उसे मानक भाषा कही जाती है। और दूसरा है लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब होता है टारगेट या उद्देश्य। किसी क्षेत्र विशेष में जो शासन के द्वारा हमें जो प्रभाव तौर पर जो भी सूचना, अधिसूचना, दे आदेश, अध्यादेश, जो भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारतवर्ष में कुछ ही क्षेत्र हैं जो हिंदी के बारे में अपनी जानकारी और हिंदी क्षेत्र के तौर पर कहे जाते हैं, जिसमें यदि हम बात करें तो दिल्ली, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान, ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो हिंदी क्षेत्र कहलाते हैं। लेकिन जो बाकी जो राज्य हैं वो अपने प्रांतीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं। परंतु लक्ष्य भाषा क्या हो जाएगी कि जब किसी शासन के द्वारा किसी मुख्य भाषा में अगर कोई भी सूचना जारी कर दी गई है, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी आधार भाषा को लक्ष्य मानकर उद्देश्य पूर्ण तरीके से प्रयोग करने वाली भाषा लक्ष्य भाषा कहलाती है। जैसे कि यदि हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी आधार भाषा है उन क्षेत्रों के लिए जहां पर उसे वो अपने प्रांतीय भाषा में अनुवाद करके लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। हिंदी क्षेत्र का व्यक्ति हिंदी को बड़ी आसानी से समझ सकता है, लेकिन दक्षिण भारत में यदि यही जो भी शासन के द्वारा भेजा गया आदेश, अध्यादेश, जो भी जानकारी है, अगर प्रांतीय क्षेत्र के लोग उसे जानना चाहेंगे, तो जो लक्ष्य शासन के द्वारा पूरे प्रांत और क्षेत्र और देश विदेश में फैलाना है, उसके लिए वह एक ऐसी भाषा का चयन करेंगे जिससे उनका लक्ष्य या उद्देश्य पूरा हो। इसलिए लक्ष्य भाषा क्या है? किसी उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयोग होने वाली भाषा को लक्ष्य भाषा कहते हैं। और कहीं ना कहीं हिंदी हमारी आधार भाषा के साथ दूसरे क्षेत्र विशेष के लिए लक्ष्य भाषा का भी काम जो है वो करती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, मानक भाषा तथा लक्ष्य भाषा के बाद में विभाषा तथा स्रोत भाषा को परिभाषित कीजिए। थोड़े ही देर मैंने जब आपको राजभाषा के बारे में बताया था, थोड़ी सी चर्चा मैंने पीछे जाकर करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि भाषा के कुछ स्वरूप होते हैं। सबसे पहले होती है बोली। किसी भी प्रांतीय और स्थानीय क्षेत्र में बोली जाने वाली, जिसकी लिपि नहीं होती, न ही उसका व्याकरण होता है, यह एक स्थानीय परिवेश में बोली जाती है, इसलिए शासन द्वारा मान्य न होकर यह बन जाती है बोली।
बोली के मुख्य तौर पर बोली जाती है वह बोली, बोली के अंतर्गत आती है हमारे लिए उपबोली, ठीक है। जब इसी उपबोली का एक लिखित रूप, यानी कि जब एक बोली का जिसके अंतर्गत आती है उपबोली, तो जब किसी मुख्य बोली का एक लिखित रूप बना दिया जाए और जिससे साहित्यिक रचनाओं का जन्म हो, तो यही बोली अब विभाषा या उपभाषा कहलाती है। अगर हम इसे अच्छे से समझना चाहें तो क्या कह सकते हैं, साहित्यिक महत्व की बोलियों को उपभाषा या विभाषा कहते हैं। जब एक बोली लिखित रूप धारण करके अपने साहित्यिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल की जाने लगे, तब वह बोली से उपबोली से वो हमारे लिए उपभाषा या विभाषा कहलाती है, ठीक है। और अगला है स्रोत। स्रोत का मतलब होता है माध्यम, ठीक है, कि हमारे पास ये आया कहाँ से। एक ऐसी भाषा जो अन्य भाषाओं की माध्यम हो, या एक ऐसी भाषा जो अन्य भाषाओं की जननी हो, या एक ऐसी भाषा जिससे अन्य भाषाओं का उद्गम हो, ऐसी भाषा स्रोत भाषा कहलाती है। और हमारी स्रोत भाषा संस्कृत को माना जाता है कि एक ऐसी भाषा जिससे अन्य भाषाओं का जन्म हो, उसे स्रोत भाषा कहते हैं। तो प्रश्न ने क्या कहा, विभाषा और स्रोत भाषा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। साहित्यिक महत्व के लिए प्रयोग होने वाली भाषा को हम विभाषा कहते हैं, और एक ऐसी मूल भाषा जो अन्य भाषाओं की जननी हो, उसे हम स्रोत भाषा कहते हैं। साहित्यिक महत्व की भाषाओं में जिसे हम विभाषा कह रहे हैं, साहित्यिक महत्व की भाषाओं में ब्रज, अवधी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, साथ में भोजपुरी भी साहित्यिक महत्व की भाषा मानी जाती है। और यदि हम स्रोत भाषा की बात करें तो संस्कृत हमारी स्रोत भाषा है जिससे अन्य भाषाओं का जन्म हुआ है। अब आते हैं टॉपिक नंबर 2 जो है वर्ण विचार। वर्ण विचार से आपको प्रश्न कैसे पूछा जाता है, अब तक आपको इसमें से मेंस में कभी भी प्रश्न पूछा नहीं गया था। वहाँ सिर्फ एक प्रश्न आता था 2 नंबर का, जिसमें यह पूछा जाता था कि निम्न की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिमाग कहता है कि वर्तनी शुद्ध करके लिखना है तो सारी चीज़ें गलत होंगी, तो हम उसे सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक साल ऐसा हुआ था जहाँ एक वर्तनी अपने आप शुद्ध थी, परंतु बच्चों की यही मेंटालिटी कि वो तो गलत होगा, उन्होंने सही को भी गलत कर दिया। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग को खुले तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर अब लास्ट ईयर से क्वेश्चन जो है वो वर्णमाला के अंदर से भी पूछा जाने लगा है। तो वर्ण विचार जिसे हम कहते हैं फोनोलॉजी, या जिसे हम कहते हैं अल्फाबेटिकल्स, ठीक है, उसके विषय में चर्चा करेंगे कि यहाँ से प्रश्न आपको कैसे आते हैं। लास्ट ईयर पूछा था स्वर और व्यंजन से आप क्या समझते हैं, इसी तरह अल्पप्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम अब इस व्याकरण के हिस्से में चलेंगे जहाँ फोनोलॉजी, अल्फाबेटिकल्स, वर्ण विचार से हम वर्णमाला से संबंधित चीज़ों को जानेंगे। अब हम यहाँ आते हैं वर्ण विचार में से। तो वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई होती है जिसे खंड में बांटा नहीं जा सकता। जब किसी व्यक्ति के द्वारा मौखिक भाषा का उच्चारण किया जाता है, तब वह व्यक्ति श्रव्य के माध्यम से विचारों को समझता है, ठीक है। तो भाषा श्रव्य है जो सुनकर महसूस की जाती है, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने विचार को किसी व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है तो वह लिखित भाषा का प्रयोग करता है, जिसके लिए एक माध्यम होती है लिपि। अर्थात किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाती है लिपि। लिपि की अगर हम बात करें तो लिपि, जहां हम हिंदी में देवनागरी लिपि को इस्तेमाल करते हैं, जिसके 52 वर्ण अक्षरों का हमारे द्वारा इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। संस्कृत को लिखने वाले यह देवनागरी लिपि, जिसमें 52 वर्ण इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके 2 हिस्से हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अंतः प्रयत्न के आधार पर स्वरों की कैटेगरी 5 होती है, जैसे कि उच्चारण स्थान के आधार पर अग्र, मध्य, पश्च स्वर होता है, मात्रा के उच्चारण के आधार पर लघु, दीर्घ और प्लुत स्वर होता है, ओष्ठाकृति के आधार पर हमारे लिए वृत्ताकार या वृत्तमुखी, अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी होता है,
ठीक है। मुख के खुलने के आधार पर समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर स्वतंत्र या मूल स्वर होते हैं, जिसे रूढ़ भी कहा जाता है, तो कुछ होते हैं जो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र वर्ण हैं और व्यंजन स्वर की सहायता से पूरे होने वाले वर्ण हैं। इन्हीं के बारे में जहाँ वर्ण के अंदर की चीज़ें पढ़ी जाती है, वह वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले वर्ण विचार हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें से दिया है, अल्पप्राण तथा महाप्राण वर्ण क्या होते हैं। आपको मैं बता दूं कि अल्पप्राण और महाप्राण वर्ण व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसा चीज़ बता रही हूँ जो पूरी तरह से स्वर और व्यंजन से बताऊँ, क्योंकि दूसरा प्रश्न पूछा है स्वर तथा व्यंजन से आप क्या समझते हैं, तीसरा पूछा है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने होते हैं उनके नाम लिखिए, चौथा पूछा है अंतःस्थ वर्णों के नाम लिखिए, और पाँचवा प्रश्न पूछा है उत्क्षिप्त वर्ण कौन से होते हैं। तो मैं इन सभी को क्यों ना एक जगह लाकर आपको समझा दूँ, ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने पांच प्रश्न दिए हैं। इस पांच प्रश्नों में आपको स्वर व्यंजन के बारे में बारीकी से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं आपके अल्पप्राण तथा महाप्राण वर्ण। व्यंजन वर्ण जिसे हम कहते हैं, तो व्यंजन क्या होता है, व्यंजन होता है हलंत वाला वर्ण, ठीक है। स्वर रहित वर्णाक्षर को व्यंजन कहा जाता है। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से पूरे होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। इस व्यंजन के हिस्से होते हैं अंतः प्रयत्न के आधार पर। सबसे पहला होता है स्पर्श वर्ण, जिसे हम स्टॉप कॉन्सोनेंट्स कह सकते हैं, जिसे हम प्लोसिव कॉन्सोनेंट कह सकते हैं, या हम इसे स्पर्श कहते हैं। जब व्यंजन का उच्चारण किया जाता है, तब हवा फेफड़ों से निकलकर मुख के अंदर की समस्त इंद्रियों को छूकर जब उच्चारित करता है, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में क, ख, ग, घ और अंगा, इसके वर्ग की शुरुआत क से होने की वजह से यह वर्ग क वर्ग कहलाता है। चूंकि इसमें पांच वर्ण स्थान किए हैं, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हमारे लिए पांचवा वर्ण होता है। इन पांच वर्ण का उच्चारण कंठ ध्वनि को छूकर किया जाता है, इसलिए यह हमारे लिए कंठव्य बनता है। इसे युवलर भी कह सकते हैं या वेल्लर भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है च वर्ग, इसमें आने वाले वर्ण च, छ, ज, झ और इया होते हैं। चूंकि ये जिह्वा तालु को छूती है, प्लेट्स को छूती है, इसलिए पैलेटल कहते हैं। नेक्स्ट वन है कैटेगरी में ट, ठ, ड, ढ और अणा, ठीक है। ये शुरुआत कर रहा है ट वर्ग से, इसलिए इस तरह इसे हम ट वर्ग का नाम देंगे। और इसका इस्तेमाल रेट्रोफ्लेक्स कहलाता है, ये जब जिह्वा थोड़ी सी मुड़ जाती है, दंत तालु को छूती और झटके से नीचे आती है, तब यह हमारे लिए मूर्धन्य की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें त, थ, द, ध और न की, ठीक है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं, तो हमारा जो टंग है वो टीथ को टच करता है, तो डेंटल कह सकते हैं, यानी कि त वर्ग के वर्ण को हम तालव्य कहते हैं, त वर्ग के वर्ण को हम दंतव्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आती है कैटेगरी हमारी प, फ, ब, भ और म, ठीक है ना। प, फ, ब, भ, म कहता है, ऐसा कहते समय हमारे लेबियल मतलब जो लिप्स हैं वो एक दूसरे के पास आके सट जाते हैं, इसलिए इसे हम ओष्ठ कहते हैं, ठीक है। और वर्ग का नाम हो जाता है प वर्ग, ठीक है। दूसरा होता है हमारे लिए आपका सेमी कॉन्सोनेंट, जिसे हम अंतःस्थ कहते हैं, यानी कि यण स्वर संधि की प्रक्रिया से दो स्वरों से मिलकर बना वर्ण य, र, ल और व, ये हमारे लिए अंतःस्थ वर्ण हो जाते, ठीक है। एंड थर्ड वन हमारे लिए सिबिलेंट्स कहलाता है, जो उष्म या संघर्षी होते हैं। और ये क्या होते हैं कि जब वर्ण का उच्चारण किया जाता है और वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा यानी उष्म हवा प्रवाहित होती है और उसे संघर्ष करना पड़ता है, तो शक्कर का ष, षटकोण का ष, सरोते का ष और हल्का ह,
इसके अलावा एक और व्यंजन होता है जिसे हम ज्वाइंट कॉन्सोनेंट कहते हैं, जो संयुक्त व्यंजन है क्षत्र ज्ञ और श्र। प्रश्न यहाँ पर पूछा है अल्पप्राण तथा महाप्राण वर्ण क्या होते हैं। चूंकि संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन वर्ण से मिलकर बने होते हैं, इसलिए उसकी गिनती इस श्रेणी में नहीं आती जो अल्पप्राण और महाप्राण है। ये जो मैंने आपको कैटेगरी बताई, यह अंतः प्रयत्न के आधार पर, मतलब कि जब व्यंजन का उच्चारण किया जाता है, यानी व्यंजन क्या, स्वर रहित वर्णाक्षर व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से पूर्ण होते हैं उसे व्यंजन कहा जाता है, जिसकी पहचान होती है किसी भी वर्णाक्षर के नीचे राइटर के राइट हैंड साइड लिखा हुआ एक छोटा सा हलंत। अंत प्रयत्न के आधार पर इसमें स्पर्श, अंतस्थ, उष्म और संघर्षी, और एक होता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, मतलब जब हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख के अंदर उच्चारण होने से पहले हवा फेफड़ों से निकलकर मुख के अंदर की इंद्रियों को स्पर्श करती हुई निकलती है। जब वह कंठ को स्पर्श करता है तो कंठव्य, तालु को स्पर्श करता है तो तालव्य, मूर्धा को स्पर्श करता है तो मूर्धन्य, दांतों को स्पर्श करके दंतव्य, और होठ के मिलने से ओष्ठय बनता है। और स्वर की तरह अंदर से स्थापित व्यंजन वर्ण जो यण स्वर संधि की प्रक्रिया से बने हैं अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, और उष्म हवा प्रवाहित हो और संघर्ष के साथ उच्चारित हो तो उष्म संघर्षी कहलाते हैं। ठीक है, और क और क्ष से मिलकर बना क्ष, ज और य से मिलकर बना ज्ञ, त और र से मिलकर बना त्र, और इसी तरह श और र से मिलकर बना श्व। चूंकि ऑलरेडी वो दो व्यंजन से मिलकर बने इसलिए उनको गिना नहीं जाता। अब यहाँ प्रश्न पूछा है अल्प प्राण तथा महाप्राण। जिस तरह अंत प्रयत्न के आधार पर स्पर्श, अंतस्थ, उष्म संघर्षी और साथ में है हमारे लिए संयुक्त व्यंजन, जब व्यंजन का उच्चारण किया जाता है तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर हो जाते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। यानी कि जब स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और उष्म और संघर्षी का उच्चारण किया जाता है और उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा जिसे हम प्राणवायु, जिसे हम श्वास वायु कहते हैं, यदि वह अल्प यानी कि कम मात्रा में हो तब वह बन जाता है अल्प प्राण व्यंजन। लेकिन जब किसी व्यंजन का उच्चारण हमारे द्वारा किया जाए और व्यंजन का उच्चारण करते समय यदि मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा, हवा या प्राण वायु ज़्यादा मात्रा में हो तब वो हो जाता है हमारे लिए महाप्राण। इस व्यंजनों में से कौन से अल्प प्राण वर्ण है और कौन से महाप्राण, ठीक है ना। इच वन कैटेगरी का ऑड वन नंबर, ऑड वन नंबर मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब कि क च ट त प, ठीक है, साथ में ग ज ड द ब, ठीक है, साथ में अंग इय अण न और म, ठीक है, और साथ में इसके अंतस्थ, मतलब कि इच वन कैटेगरी का फर्स्ट वन, थर्ड वन, फिफ्थ वन और अंतस्थ वर्ण हमारे लिए अल्प प्राण वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण साथ में अंतस्थ य र ल व को अल्प प्राण व्यंजन या अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। दूसरा है महाप्राण। ईच वन कैटेगरी का इवन नंबर, मतलब कि सम संख्या वाला, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और साथ में उष्म और संघर्षी, मतलब कि जब ख छ ठ थ फ कहें, ठीक है, जब हम घ झ ढ ध भ कहें और साथ में जब हम श श स ह कहें, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और साथ में उष्म और संघर्षी वर्ण को हम अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ वर्ण कहते हैं। तो प्रश्न ने क्या कहा था कि अल्प प्राण तथा महाप्राण वर्ण क्या होते हैं। तो व्यंजन वर्ण के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाले श्वास की मात्रा यदि कम है तो वह अल्प प्राण वर्ण होते हैं,
प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा तथा अंतःस्थ वर्ण को अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। दूसरा, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा या श्वास की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ महाप्राण वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा साथ में उष्म और संघर्षी को महाप्राण वर्ण कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, स्वर तथा व्यंजन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, स्वर जिसे हम कहते हैं वॉवल्स और व्यंजन जिसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। सबसे पहले हम बताते हैं कि स्वर क्या होते हैं। स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं, बगैर किसी बाधा या परेशानी के कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। कंठ बाधा से परे स्वतंत्र वर्ण स्वर होते हैं, जबकि व्यंजन एक हलंत वाला वर्ण होता है जो स्वर की सहायता से पूरा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम अनार, यदि हम इमली कहते हैं तो यह एक स्वतंत्र वर्ण होकर स्वर होते हैं, लेकिन यदि हम क ख कहते हैं तो ये व्यंजन होते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि वर्णाक्षर के नीचे राइटर के राइट हैंड साइड मुड़ा हुआ है तो वह हमारे लिए हलंत है। जब तक इसमें स्वर आकर मिल नहीं जाता तब तक वह वर्णाक्षर पूरा नहीं होता। तो दोनों क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं, बगैर किसी बाधा या परेशानी के कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। यह स्वर व्यंजन की पूर्णता का सबसे बड़ा सहायक होता है, क्योंकि व्यंजन क्या होते हैं? स्वर रहित वर्णाक्षरों को व्यंजन कहा जाता है। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से पूरे हों उसे व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन की पहचान एक हलंत के तौर पर होती है कि जब तक इसमें स्वर अपूर्ण अ आकर नहीं मिलता तब तक वह पूरा नहीं होता है। और पहले ही मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि स्वर की कुछ कैटेगरी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मात्रा के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, रचना के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर और ओष्ठाकृति के आधार पर। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा है कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो चलते हैं उसी कैटेगरी में। जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो मैंने अभी बताया कि स्वर क्या है, स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं, बगैर किसी बाधा या परेशानी के उच्चारित किए जाते हैं। इन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख के अंदर जो जिह्वा है, जिसे हम टंग कहते हैं, जिसे हम जिभ कहते हैं, जिसे हम रसना भी कहते हैं, ठीक है, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग देखने को मिलता है, क्योंकि हिंदी के वर्ण एक वैज्ञानिक भाषा के आधार पर उच्चारित किए जाते हैं। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है जिसको उच्चारण करने के लिए हमारे बॉडी में जो मुंह है उसके अंदर की इंद्रियां हरकत में आती हैं, ठीक है। तो जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे जीभ का अग्र, मध्य और पश्च का हिस्सा काम करता है। इसलिए उच्चारण स्थान के आधार पर सबसे पहला होता है अग्रस्वर, जिसे हम फ्रंट वॉवल्स कहते हैं। जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं और जिह्वा का अग्र का हिस्सा, मतलब जीभ का फ्रंटल एरिया, मतलब कि बिल्कुल जो सामने का जो हिस्सा है वो हरकत करता है, तो उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। और इस अग्रस्वर में जब जिह्वा का अग्र भाग हरकत करता है तो अग्रस्वर यानी कि फ्रंट वॉवल्स होता है। जब हमारे द्वारा ई ए ए और ऋषि के री का प्रयोग किया जाता है तो जीवा का अग्र भाग के हरकत करने से यह अग्र स्वर के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा होता है मध्य स्वर, जिसे हम हाई वॉवल्स कहते हैं। मध्य स्वर यानी कि हाई वॉवल्स। जब हमारे द्वारा किसी स्वर का उच्चारण किया जा रहा है और जिह्वा के मध्य का हिस्सा हरकत करता है तब वह हमारे लिए मध्य स्वर कहलाता है। जब हम अ आ कहते हैं, ठीक है ना, जब हम अ और आ कहते हैं तो वह हमारे लिए मध्य स्वर कहलाता है, हाई वॉवल्स। तीसरा होता है पश्च स्वर, मतलब कि बैक वॉवल्स, कि जब हमारे द्वारा स्वर का उच्चारण किया जाए और जिह्वा के बहुत पीछे वाला हिस्सा जो आपके कंठ से जुड़ा हुआ है तो पीछे का हिस्सा जिह्वा के पश्च भाग में हरकत होती है तब उसे पश्च स्वर कहा जाता है। और पश्च स्वर में आता है उ,
और इसी तरह ओ औ, ठीक है, ये हमारे लिए पश्च स्वर कहलाते हैं। एक स्वर और है जो फौरन आपके वॉवल्स कहलाता है, मतलब इसे हम आगत स्वर कहते हैं। जब हम विदेशज राज्यों के संपर्क में आए तो कुछ विदेशी शब्द जो है वो स्वीकृत किए गए थे, उन्हीं विदेशी शब्द में एक होता है औ, जैसे कि हॉट कॉफ़ी, चॉकलेट, रॉयल पॉलिसी, अगर हम कहते हैं ऑपरेशन, तो जो अ साउंड करता है जिसे हम अर्ध चंद्र कहते हैं, तो अर्ध चंद्र यानी कि अ जो है यह भी पश्च स्वर की श्रेणी में आता है। इसलिए जब स्वर का उच्चारण किया जाए और उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्र हिस्सा हरकत करे तो वो अग्र स्वर, जिह्वा का मध्य हिस्सा करे हरकत तो मध्य स्वर, और जिह्वा का पश्च भाग हरकत करे तो पश्च स्वर कहलाता है। और इस तरह ई ए री अग्र स्वर है, अ मध्य स्वर है, उ ओ ओ औ और ओ हमारे लिए पश्च स्वर माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अंतस्थ वर्णों के नाम लिखिए। मैंने आपको जब व्यंजन की वर्णावली बताई तब मैंने लिखा था अंतस्थ वर्ण, ठीक है, अंतस्थ वर्ण जिसे हम अंतस्थ व्यंजन या सेमी वॉवल्स कहते हैं। आपको ये बता दूं कि स्वर संधि की प्रक्रिया में से यण स्वर संधि से निर्मित जो वर्ण होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यानी कि स्वर की सहायता, स्वर की तरह अंतः से स्थापित वर्ण जो यण स्वर संधि की प्रक्रिया से दो स्वरों के योग से बना हुआ व्यंजन वर्ण होता है, तो अंतस्थ वर्ण जिसे हम सेमी वॉवल्स कहते हैं वो क्या है, स्वर की तरह अंदर स्थापित वे वर्ण जो यण स्वर संधि की प्रक्रिया से निर्मित दो स्वरों से निर्माण हुए व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है य र ल और व, ये बनते कैसे हैं, जब हम यण स्वर संधि में देखते हैं कि ई के साथ यदि हम अ बोलें ई अ तो बनता है ई अ, ठीक है, जब हम ऋषि के री के साथ अ को जोड़ते हैं री अ तो बनता है ल र, ठीक है। संस्कृत की वर्णमाला में लृट लकार के लिए री यूज़ किया जाता है जो हिंदी के वर्णमाला में नहीं है, जब इसी री से अ को जोड़ते हैं तब निर्माण होता है ल का, ठीक है। साथ में जब हम ऊ के साथ अ को बोलते हैं और एक साथ उच्चारण करके देखते तो ऊ, तो उच्चारण बनता है व का, अर्थात दो स्वरों से निर्मित एक ऐसा वर्ण जो यण स्वर संधि की प्रक्रिया से बना हुआ है उसे अंतस्थ कहते हैं, जिसमें से य और व को अर्धस्वर कहा जाता है, ल को पार्श्विक वर्ण कहा जाता है और र को प्रकंपित लुंठित और वर्ष वर्ण भी कहा जाता है, तो अंतस्थ वर्ण य र ल व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5th नंबर का कि उत्क्षिप्त वर्ण कौन से होते हैं उनके नाम लिखिए। उत्क्षिप्त का मतलब होता है उत्त मतलब कि क्षिप्त, मतलब कि उत्क्षिप्त बाहर फेंकना, ठीक है, उत्क्षिप्त का मतलब होता है बाहर फेंकना। जब मैंने स्पर्श वर्ण बताया था तो स्पर्श वर्ण की कैटेगरी में फिर से लिख दूं, क ख ग घ अंगा, ठीक है, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, साथ में प फ ब भ म, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा बहुत डिटेल में समझाना चाहूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये आवश्यक तत्व है, ठीक है, कि पहली बात तो यहाँ अल्पप्राण महाप्राण भी है, इसी तरह होते हैं सघोष और अघोष। सघोष क्या है कि जब स्वर तंत्रिकाएँ एक दूसरे के पास आती है, जब व्यंजन का उच्चारण किया जाता है और स्वर तंत्रिकाएँ एक दूसरे के पास आती है और उनमें एक हरकत के अनुसार कंपन पैदा होता है, कब, जब स्वर तंत्रिकाओं के पास आने से उसमें एक रगड़ घर्षण या कंपन होता है और ध्वनि कंपन के साथ उच्चारित होती है, तब वहाँ पर होता है हमारे लिए सघोष ध्वनि। ईच वन कैटेगरी का 3rd, 4th, 5th और अंतस्थ को सघोष ध्वनि कहते हैं, लेकिन स्वर तंत्रिकाएं एक दूसरे से दूर होती हैं, किसी प्रकार से घर्षण और कंपन नहीं है,
ठीक है। तो ऐसी ध्वनि अघोष ध्वनि कहलाती है या ऐसे वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं, मतलब कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा उष्म और संघर्षी अघोष है। अगर हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ सारे वर्णाक्षर हाफ लेटर में लिखे जा सकते हैं, बस जो आपका अंगा है, जो छाते का छ है, झंडे का झ है, ट ठ ड ढ है और दवात का द है, इसे हाफ लेटर में लिखना कभी भी पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसके नीचे हम एक हलंत को लगा देते हैं। चूँकि छ और झ कभी भी मध्य में बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, अंगा तो मोस्ट ऑफ टाइम अनुस्वर या अनुनासिक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है ना, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण होता है, ये अनुनासिक वर्ण कहलाता है, ठीक है। और जो प्रत्येक वर्ग का एक से चार तक का वर्ण होता है ना, ये निरनुनासिक वर्ण कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण में नेजल मतलब कि नाक का इस्तेमाल किया जाता है और निरनुनासिक में कभी भी नासिका का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। इसी स्पर्श वर्ण से डमरू का ड और ढक्कन का ढ, ये दोनों हमारे लिए उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है कि उत्क्षिप्त वर्ण कौन होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो मैं पहले बता दूं कि ड और ढ उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं, और उत्क्षिप्त वर्ण क्या होते हैं, तो एक चीज़ और क्लियर कराऊं कि डमरू का ड और अंगा, ठीक है। इस उत्क्षिप्त को हम द्विगुण भी कहते हैं, इस उत्क्षिप्त को हम द्विस्पृष्ट भी कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत अंदरूनी चीज़ बता रही हूँ कि द्विगुण और उत्क्षिप्त और कहीं ना कहीं द्विस्पृष्ट वर्ण होते हैं, डमरू का ड और ढक्कन का ढ। पहले हमने उठाया है डमरू का ड। डमरू के ड और अंगा में एक स्ट्रक्चर होता है कि यह बेदाग है, इसमें किसी प्रकार का कोई निशान नहीं है, लेकिन अंगा एक ऐसा वर्ण है जिसके बगल में एक छोटा सा बिंदी है, अर्थात जब ये ड है निरनुनासिक्य तो ये अंगा है अनुनासिक्य। इस दोनों को हाफ लेटर में नहीं लिखा जा सकता, तो हम इसके नीचे भी हलंत लगाते हैं जब हम पगडंडी लिखते हैं तब। ध्यान रखिएगा कि ये ट वर्ग का तीसरा वर्ण है और ये क वर्ग का पांचवा वर्ण है, ठीक है। स्ट्रक्चर दोनों का एक जैसा है, लेकिन जब हम यहां बात कर रहे हैं ड का, डामर डमरू इसी प्रकार डफली कहता है, तो जब यह वर्ण किसी भी शब्द में सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है तब यह उच्चारण ड करता है और जो हमारे लिए मूर्धन्य है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो व्यंजन के मध्य या व्यंजन के अंत में आता है, तब एक बिंदी जो अंगा में बगल में थी वैसी ही एक बिंदी उस वर्ण के नीचे आ जाती है और ड से बन जाता है अड़ा, ठीक है। अब फिर कन्फ्यूज़न की अड़ा और अण में क्या अंतर है। अड़ा कहेगा तो हम कह सकते हैं जैसे कि लफड़ा, जैसे हम कह सकते हैं झगड़ा, ठीक है, हम कह सकते हैं कीचड़, कंकड़, थप्पड़, पापड़, जूड़ा, पीड़ा, ठीक है। लेकिन यदि अणा कहते तो रावण, चरण और ब्राह्मण बनता है। सेम सिचुएशन है आपके इस ढक्कन के ढ की। ढक्कन के ढ कहीं ना कहीं दवात के द का एक स्वरूप है, ठीक है। जैसे कि दवात का द लिया, अगर हमने दवात के द की पूछ हटा दी तो दोनों एक जैसे दिखने लगते हैं। लेकिन यदि इस ढ की बात करें, इसमें भी किसी प्रकार की बिंदी नहीं है। जैसे कि हम सबसे शुरुआत में देखें तो ढोलक कहते हैं, जब हम ढक्कन कहते हैं, ठीक है, जब हमारे द्वारा ढोकला कहा जाता है तब इसका उच्चारण ढ होता है। लेकिन सेम सिचुएशन कि अगर यह किसी व्यंजन के अंत में आया या व्यंजन के बीच में आया तो इस ढ के नीचे एक बिंदी आ जाती है और इसका प्रोनाउंसिएशन है जो अढ़ होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कढ़ी, जैसे कि हम कह सकते हैं बढ़ाई, ठीक है, हम कह सकते हैं पढ़ाई और हम कह सकते हैं चढ़ाई। कुल मिलाकर ड से बना अड़ा और ढ से बना अढ़ा, इसलिए अड़ और ढ
ठीक है ना, अड़ा और अढ़ ये दोनों उत्क्षिप्त हैं। जब हम अड़ा और अढ़ बोलते हैं तो मुख से कुछ फेंक रहा है ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है, इसलिए मुख के उच्चारण से मूर्धा को स्पर्श कर बाहर फेंके जाने वाले वर्ण को उत्क्षिप्त द्विगुण या द्विस्पृष्ट वर्ण कहा जाता है, जो है अड़ और अढ़। वर्तनी शुद्धिकरण से आपको हमेशा प्रश्न मेंस में कहता है निम्न की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, ठीक है, उसको हमें क्लियर करके लिखना होता है। और मेंस को छोड़कर यदि हम व्यापम और प्री की बात करें तो वहाँ पर दिया होता है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि वर्तनी क्या होती है, ठीक है। उच्चारण स्वरूप लेखन की प्रक्रिया वर्तनी कहलाती है और भाषा की शुद्धता उच्चारण में मानी जाती है। अगर हमारे द्वारा स्वर और व्यंजन का उचित तौर पर उच्चारण सही किया गया तब वह वर्तनी को भी शुद्ध करता है। तो भाषा की शुद्धता मौखिक उच्चारण में होती है, अर्थात किसी भी भाषा के शुद्ध स्वरूप में लेखन की प्रक्रिया वर्तनी कहलाती है, अर्थात उच्चारण स्वरूप लेखन की प्रक्रिया वर्तनी कहलाती है। और वर्तनी कभी प्रभावित होती है जब हमारे द्वारा उच्चारण में गलती हो। स्वर जिसमें उच्चारण में मात्रा के आधार पर हमारे पास लघु और दीर्घ स्वर हैं, लघु स्वर जिसे शॉर्ट वॉवल्स कहा जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन करते समय कम समय लगता है, इसलिए उसे लघु ह्रस्व स्वर कहा जाता है। उसकी मात्रा एक गिनी जाती है इसलिए वो एकमात्रिक स्वर भी कहलाती हैं। जिस स्वर के उच्चारण में दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। छंद के अनुसार गुरु की मात्रा कही जाती है, चूंकि दो काउंट होते हैं इसलिए द्वैमात्रिक कहते हैं। लेखन में हम केवल लघु और दीर्घ स्वर का ही इस्तेमाल करते हैं, जहां बल कम है तो लघु और बल जाता है तो दीर्घ। लेकिन किसी संवाद शैली में किसी को पुकारने के लिए कभी लघु और दीर्घ से, कभी मंत्रोच्चार के समय लघु और दीर्घ से तीन गुना ज़्यादा समय लगता है। अभी सुनते हो क्या हुआ, ज़रा आना तो, अगर कहता है तो इन सब में लघु और दीर्घ से थोड़ा ज़्यादा समय ले, इसलिए इसकी मात्रा तीन गिनी जाती है ना, इसलिए त्रैमात्रिक कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात, व्यंजन वर्ण की अपनी एक विशेष पहचान है। यहाँ क्षत्रिय का क्ष संयुक्त है, छाते का झ छ तालव्य है, समझ में आ रहा है। अण अनुनासिक के है, अड़ा द्विगुण है। शक्कर का श फोर्स और विसिल कम है, जो कहीं ना कहीं संस्कृत शब्द के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शांत, शारदा, शीतल, शंकर, शिव, ठीक है, जो तद्भव में अधिकांश तौर पर समय परिवर्तित हो जाते हैं और शांत से शांत और शीतल से शीतल, शारदा से शारदा बन जाती है, देशी से देसी बन जाता है। लेकिन जब विसिल और फोर्स ज़्यादा है तो हम षटकोण का श इस्तेमाल करते हैं, ये स्पेशली संस्कृत वजह से दोष, प्रदोष, धनुष है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कुछ इसके नियम होते हैं। और सरोते का सा, इसमें किसी प्रकार का फोर्स और विसिल नहीं होता। क्रम की बात करें तो शक्कर का श हमेशा पहले आएगा, सरोते का श बाद में आएगा। और शक्कर का श और षटकोण के श की बात करें, शक्कर का श, षटकोण का श, सरोते का श, इसके क्रम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि शासन कहना है तो शासन कहेंगे, जैसे कि शासन कहेंगे। यदि शेष कहेगा तो शक्कर का श और ये सरोते का स आएगा, ठीक है। ये और ये आवश्यकता के अनुसार स में भी बदलते हैं, कभी कभी यह ख में भी बदलता है। तभी तो यदि हम दोष कहते हैं तो वह दोख भी कहलाता है जब तद्भव बदलते हैं। तो साथ में यदि वर्षा कहते हैं तो बरसा या बरखा भी कहलाता है। तो पहली बात कि भाषा की शुद्धता उसके मौखिक उच्चारण में देखी जाती है। और अगर हमारे द्वारा उच्चारण जो है गलत कर दिया जाए तो वर्तनी प्रभावित होती है। कुछ देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव सारे शब्दों का हमारे द्वारा उच्चारण किया जाता है और इस उच्चारण में यदि जरा सी भी त्रुटि हो जाए तो शब्द के अर्थ पूरी तरह से बदल जाते हैं। जैसे कि यदि आप जरा कहते हैं और अगर वो जरा है तो लेखन में तो अंतर है पर अर्थ में अलग हो जाता है कि जरा कहकर बुढ़ापा हो जाता है और जरा कहकर थोड़ा हो जाता है। इसी तरह भाषा की शुद्धता की बात करें तो भाषा के मौखिक उच्चारण से उसकी वर्तनी शुद्ध होती है। तो वर्तनी में ध्यान रखिएगा, सारे वर्णाक्षर का अपना अपना एक सांकेतिक चिन्ह है। यहाँ क अलग है, व अलग है। पतंग के प में शुंडिका कर दे तो वो फ बन जाता है, पतंग के प में आड़ी रेखा खींच दे तो श बन जाता है। वचन के व में अगर
हम एक आड़ी रेखा खींच दे तो वह बन जाता है। कुछ मानक वर्ण हैं जो शासन के द्वारा मान्य कर दिए गए, जैसे कि अ, जैसे कि ख, इसी प्रकार झंडे का झ, भट्टे का भ, इसी तरह अण, ठीक है, क्षत्रिय का क्ष, ठीक है, ये सारे वर्ण हमारे शासन के द्वारा लट्टू का ल, ये अमानक कर दिए गए। इसके लिए शुद्ध तौर पर अ, शुद्ध तौर पर ख, झंडे का झ, ठीक है, क्षत्रिय का क्ष, भटे का भ और अण जैसे तत्वों को रखा गया। मानक वर्तनी कहती है कि अक्षर को भी तोड़ दिया जाना चाहिए कि जब हम लिखते हैं शक्ति तो वर्णाक्षर अलग अलग लिख दिए जाएं। इसी तरह जब एक ही वर्ण का दो बार प्रयोग करना है तो ये कहीं ना कहीं अधूरा लग रहा है ह का, इसलिए अगर पट्टी लिखना है तो सारे वर्ण को तोड़ कर लिखा जाना ज़रूरी है। इसलिए भाषा की शुद्धता मौखिक उच्चारण होती है, तो मौखिक उच्चारण के अनुसार हम जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये शब्द संयुक्त तो होते हैं, कभी प्रथम संयोग, मध्य संयोग और अन्य आपके द्वितीय प्रयोग में। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, यदि आपको वर्णमाला से संबंधित और ज्यादा डिटेल समझना है तो हमारे द्वारा जो मोबाइल कोर्स तैयार किया गया है उसमें हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित सारे व्याकरण की चीज़ें बहुत बारीकी तरीके से आपको समझाई गई है। चूँकि हम यहाँ पर सिर्फ एक प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों को आपको उत्तर के तौर पर समझा रहे हैं तो हर चीज़ पूर्ण रूप से समझा पाना संभव नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि मोबाइल कोर्स से जुड़ें। उस मोबाइल कोर्स में आपको बहुत अंदर की चीज़ें जो है समझाई गई हैं, तो जो वर्णमाला है, जो भाषा है, उससे संबंधित चीज़ों के जो प्रश्न आपके मन में और उठ रहेंगे उनके जो जवाब है उस मोबाइल कोर्स के वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ चर्चा हो रही है निम्न की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। सबसे पहले दिया हुआ है पजामा, सबसे पहले दिया हुआ है पजामा। कभी भी पजामा अगर हम बात करें तो हमारे उच्चारण में पजामा होता है, लेकिन अगर शुद्ध देखें तो पजामा ना होकर इसका शुद्ध रूप होता है पाजामा। पाजामा जिसका अपभ्रंशित तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर पैजामा भी बोलते हैं, बहुत लोग इसे पैजामा ही कहते हैं, लेकिन पजामा का शुद्ध वर्तनी होगा पाजामा, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क एक शुद्ध वर्तनी नहीं है क्योंकि जहाँ शुल्क नहीं है तो यहाँ पर एक विसर्ग है जो जुड़ा रहता है और यह उच्चारण किया जाता है निःशुल्क के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट वन है रसायनिक, एक विषय विशेष है रसायन, इसलिए रासायनिक ना होकर होता है रासायनिक, ठीक है। अगला दिया हुआ है नरक, नरक एक तद्भव शब्द है, नरक एक तद्भव शब्द है क्योंकि इसका शुद्ध रूप स्वर्ग और नरक होता है, इसलिए एक आरएफ वर्ण के तौर पर नरक लिखा जाएगा जिस तरह हम स्वर्ग लिखते हैं, ठीक है। अगला है आपका दायित्व, दायित्व एक चीज़ क्लियर कर दूं कि संस्कृत के शब्दों का, यानी कि यदि हम तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं और प्रोनाउंसिएशन यदि ई होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में स्थाई, उत्तरदायी, अनुयायी कहते हैं, तो तत्सम शब्दों में ई का उच्चारण होने के बावजूद लिखने के लिए वहाँ हम ई का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम यहाँ यज्ञ के य में छोटी ई की मात्रा लगाते हैं और ये दायित्व, मतलब कि दायित्व नहीं होता, दायित्व। यण स्वर संधि के बाद अगर हम अयादि स्वर संधि की बात करते हैं तो आपके उच्चारण में भी गलती होती है ना, जैसे कि नयन बोलते हैं, नयन नहीं होता भैया, नयन होता है, शयन होता है। अगर आप एक एक वर्ण को क्लियरिटी से बोलेंगे ना बच्चों, तो कहीं से भी आपके वर्तनी में अशुद्धि और त्रुटि देखने को लेखनी में नहीं मिलेगी, इसलिए दायित्व नहीं, दायित्व होता है, ठीक है। अगला दिया है गृहिणी, गृहिणी, ठीक है ना, इस गृह शब्द में स्त्री सूचक बनाने के लिए इनी प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है, तो गृहिणी न होकर इसका उत्तर होगा हमारे लिए गृहिणी, जो घर की महिला है उसे गृहिणी कहा जाता है। अगला है देहिक, ठीक है, अच्छा, देह शब्द में इक प्रत्यय जुड़ गया तो देहिक बना, लेकिन जिस तरह हम इतिहास में इक प्रत्यय जोड़कर ऐतिहासिक बनाते हैं ना, ठीक है, जैसे भूगोल में भौगोलिक बन जाता है क्योंकि संधि का नियम भी कुछ कुछ यहाँ पर वर्तनी में प्रयोग किए जाते हैं, तो देहिक न होकर शुद्ध रूप इसका हो जाता है दैहिक,
ठीक है। नेक्स्ट वन दिया है दस्तखत, ठीक है। दस्तखत मतलब कि सिग्नेचर, दस्तखत नहीं होता, दस्तखत ना होकर होता है दस्तावेज में जो हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है दस्तखत, ठीक है। और इस तरह वर्तनी क्या है, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाती है, और किसी भी भाषा को लिखने के समय उच्चारण स्वरूप लेखन की प्रक्रिया वर्तनी कहलाती है। और ध्यान रखें, वर्तनी में हमारे उच्चारण की शुद्धता का होना जरूरी। कुछ आगत स्वर हैं जिसमें हमने आगत स्वर के तौर पर अ को प्रयोग किया था, उसी तरह जब हम क ख ग ज और फ की बात करते हैं तब यहाँ हमारे द्वारा ये विदेशज, यानी कि हमारे लिए यह विदेशज व्यंजन या आगत व्यंजन कहते हैं, इसका प्रयोग मोस्टली उर्दू शब्दों के लिए किया जाता है। और इस तरह आज के इस वीडियो में 6 तारीख के पूछे गए प्रश्नों को मेरे द्वारा आपको डिटेल में समझाया गया। आगे जो वीडियो आएंगे टॉपिक वाइज उसमें उनसे संबंधित प्रश्नों की चर्चा की जाएगी, परंतु आज जो टॉपिक थे भाषा साथ में वर्तनी और वर्णमाला, अगर इसके बारे में आपको और डिटेल में जानना है और अच्छे से जानना है तो आप हमारे मोबाइल कोर्स से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ों को बहुत अंदरूनी तरीके से एक एक क्रम में सजाकर और जमाकर हमारे द्वारा बताया गया है। और इस तरह जो CGPSC मेंस के लिए जो हमने एक डिस्कशन कम्युनिटी में प्रश्न पत्र को लिखने और जाँचने का तरीका बताया, हमारे द्वारा उसकी जाँच भी की जाएगी और उसको बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास भी किया जाएगा। पहला वीडियो है इसलिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको बताने की कोशिश की है, यहाँ पर समय ज़्यादा लगा भी होगा, लेकिन आने वाले वीडियो में हम उसके विशेष तौर पर जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम बार बार आपको यही सचेत करेंगे कि अगर आप इसे और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मोबाइल कोर्स से आप ज़रूर जुड़ें, और जो भी डिस्कशन कम्युनिटी में जिस भी प्रश्न पत्र के प्रश्न आपको दिखे जाते हैं बेटा उसको लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा जहाँ अंग्रेजी भी 50 नंबर का वेटेज रखता है, ध्यान रखेंगे कि ये सबसे पहला प्रश्न पत्र होता है। अगर आप इस पहले प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके लिख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, मनोबल बढ़ता है, क्योंकि भाषा यदि मजबूत है ना बच्चा, तो भाषा मजबूत होने से आपका निबंध भी मजबूत होता है। शब्दों का चयन करने आना चाहिए, इसलिए पर डे वर्ड पजल भरिए, यानी कि शब्द सागर भरिए। डेली आप एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि लिखावट में वर्तनी का शुद्ध होना, मात्राओं के प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पर ही आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें और अगले प्रश्न पत्र जो आपको दिए जाएंगे उसके प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, टॉपिक वाइज उसकी तैयारी कीजिए और लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। माने कि पर डे आपको एक शब्द सागर भरना है और साथ में आपको एक पैराग्राफ जो है वो डिक्टेशन के तौर पर लिखना है, इससे आपकी लेखन प्रक्रिया सुधरेगी, वर्तनी में सुधार होगा, शब्दों का प्रभाव आपके पाठ में बढ़ता जाएगा। तब तक हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।